किशोरी रमन स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा के संस्कृति सभागार में शोध पद्धति शास्त्र विषय पर आयोजित कार्यशाला के तृतीय दिवस पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश गोयल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इन्होंने अपने संभाषण में उपस्थित प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को शोध में प्लैगरिज्म अर्थात साहित्य चोरी तथा डाटा कलेक्शन तथ्य संग्रहण के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया। इस कार्यशाला के मुख्य संरक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण कुमार अग्रवाल ने कहा कि महाविद्यालय में आयोजित की गई कार्यशाला में विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों को शोध पद्धति से पुनः परिचित कराने का प्रयास किया गया है एवं ऐसी कार्यशालाओं को महाविद्यालय में पुनः आयोजित किए जाने का सतत प्रयास किया जाता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन वाणिज्य विभाग के अनिल सक्सेना ने किया। उन्होंने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे महाविद्यालय के आधिकारिक चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे उन्हें शोध के विषय में नित्य नई जानकारियां प्राप्त हो सके। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश अग्रवाल एवं डॉक्टर अशोक कौशिक ने कार्यशाला के मीडिया प्रचार की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाएं कामना पंड्या, देवेंद्र कुमार, डॉक्टर नवीन अग्रवाल, अशोक पुष्कर, डॉक्टर प्रभात वर्मा, डॉक्टर प्रवीण ओझा, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर धीरज कुमार, अनिल कुमार, अरविंद कुमार चौरसिया, अरुणेश कुमार ओझा, हिमांशु तिवारी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने संभाली। कार्यक्रम में महाविद्यालय के कई अन्य वरिष्ठ प्राध्यापक शशि किरण, शालिनी सक्सेना, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, यदुराज सिंह यादव, संजीव कुमार श्रीवास्तव, अमर कुमार, डॉक्टर राजेश गौतम, विमलेश, सुलेखा जादौन, चिंतामणि देवी, निशा राठौर, डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर प्रमोद पाल सिंह, डॉक्टर दिव्या द्विवेदी, डॉक्टर राजेश सारस्वत, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर रामदत्त मिश्रा, डॉक्टर विजय नारायण, डॉक्टर ममता रानी कौशिक, डॉक्टर वंदना चौहान तथा डॉक्टर दीप्ति सिंह ने भी सराहना की। कार्यशाला के समापन पर सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को कार्यशाला प्रतिभाग के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिवसीय वर्कशॉप का समापन किया गया, इस विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? किशोरी रमन महाविद्यालय में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर एक कार्यशाला आयोजित की गई जो कि बहुत सफलतापूर्वक आज संपन्न हुई है। इसमें हमारे जो बहुत विशेषज्ञ स्पीकर्स थे, कीनोट स्पीकर्स, उन्होंने बच्चों को विद्यार्थियों को बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान की और ये जो जानकारी है निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी और भविष्य में भी इस तरीके की कार्यशालाएं किशोरी रमन महाविद्यालय में आयोजित की जाती रहेंगी। मैं अपनी सभी जो टीम के जो मेंबर हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जो आरएडीसी हमारी टीम है, सभी बधाई के पात्र हैं। तो इस जो कार्यशाला थी लगभग कितने छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया? इसमें लगभग 400 से 500 विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हॉल में कोई जगह खाली नहीं थी, कोई सीट खाली नहीं थी जहाँ विद्यार्थी ना हो और इस तरह के आयोजन से हम सभी बहुत उत्साहित हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी विराट स्तर पर हम लोग इस तरह की कार्यशालाएं, सिंपोजिया और सेमिनार्स आयोजित करेंगे। धन्यवाद। सर, आपके द्वारा एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया इस 30 दिवसीय, जैसे कि ज्ञात हुआ प्राचार्य करीब 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो भविष्य में क्या रणनीति है और ये जो कार्यशाला थी कैसी रही है? जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हमने 3 दिन का वर्कशॉप किया रिसर्च मेथोडोलॉजी में, इसकी सफलता का श्रेय हमारे प्राचार्य जी को जाता है। बच्चों की उपस्थिति इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं है और रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित बच्चों के जितने भी क्वेरीज थी वो भी पूरी की गई है और शोध से संबंधित जो बच्चे लैकिंग थे, जो बच्चे नहीं जानते थे वो भी जान पाए हैं, क्योंकि NAP जो नई शिक्षा नीति है उसमें शोध का एक विषय रखा गया है, इससे संबंधित सभी जानकारी बच्चों को दी गई और भविष्य में हमारा ये है कि और भी कुछ यदि शोध से नए चीज़ें आती है तो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे और यदि बच्चों को क्वारी इस संबंध में आती है तो उनको भी इससे अवगत कराने का हम कोशिश करेंगे। तो ये इस जो हमारा वर्कशॉप है, जो हमारे प्रोग्राम है, वो यहीं पर सफल होता है कि इस पर अधिक से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑनलाइन भी किया और ऑफलाइन भी मोड पे ये प्रोग्राम रहा और सभी ने देखा इसको और बहुत ही प्रशंसा की। सर, आज जहाँ पे आप की नोट स्पीकर करते तो किस विषय को आपने चुना और बच्चों को क्या लाभ मिला इससे? मेरे द्वारा जो आज भाषण दिया गया वो था डेटा कलेक्शन प्लेरिज्म एंड SPSS सॉफ्टवेयर। आज की तारीख में इन सब चीज़ों की जितने भी रिसर्च में स्कॉलर्स हैं उनको, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, सबकी एक नितांत आवश्यकता है और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
मैं केआर कॉलेज के प्राचार्य एवं उनके स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें याद करा और साथ ही साथ उनके द्वारा इस प्रकार का डिजाइन करा गया छात्र हित में है। छात्रों के कैरियर के लिए, खासतौर से शोधार्थियों के लिए ये एक लाभप्रद टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो हमेशा की जरूरत है और हमेशा इसके बारे में नए नए शोध जो हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी बच्चों को द्वारा दिलाई गई और इस बात के लिए मैं समस्त स्टाफ को, केआर कॉलेज के समस्त स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।